तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको बताने वाले हैं हम छत्तीसगढ़ महतारी जतन योजना के बारे में। यहाँ पर इसको नाम देख सकते हैं छत्तीसगढ़ मनी मिनी माता यहाँ पर महतारी जतन योजना है। तो आज की वीडियो में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यहाँ पर सभी महिलाओं को 20,000 रुपये जो है आर्थिक सहायता के रूप में यहाँ पर देने वाले हैं। किनको किनको मिलेगा इस योजना का लाभ, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर देना, और साथ ही आपके रिश्तेदार जो भी आपको करीबी हो उनके यहाँ पर आपको उसको यहाँ पर वीडियो को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सके। उससे पहले वीडियो शुरू करें तो आपको बताते चले, आपको जो भी सरकारी वैकेंसी सरकारी योजनाएँ होती है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको मीडियो मिलते रहेंगे। तो इससे रिलेटेड हम पहले से वीडियो बना चुके हैं महतारी जतन योजना से। कुछ लोग बोले, कमेंट किए कि यहाँ पर समझ में नहीं आया ज़्यादा बोले, इसलिए हम थोड़े और बेसिक आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर महतारी जतन योजना 2024 के बारे में बताते चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, राज मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा लोगों के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही, जिसमें से एक यही योजना है महतारी जतन योजना। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो छत्तीसगढ़ के सरकार हैं वो सरकारी योजना के तैयार करती है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। छत्तीसगढ़ जो सरकार है उनके यहाँ पर, जैसे छत्तीसगढ़ गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार मिनी माता, बताते चले छत्तीसगढ़ की सरकार मिनी माता महतारी जतन योजना का संचालन यहाँ पर करती है। तो महतारी जतन योजना के माध्यम से जो भी श्रमिक वर्ग के आने वाले, महतारी जतन योजना एक सरकारी योजना है, इसके माध्यम से जो भी श्रमिक वर्ग में आने वाली गर्भवती महिला है को यहाँ पर महिलाओं को यहाँ पर आर्थिक मदद के मदद जो है प्रदान यहाँ पर की जाती है। आइए इस योजना से संबंधित संपूर्ण यहाँ पर देखते हैं जानकारी, जैसे पात्रता जानकारी आपको देते हैं, जैसे कि पात्रता है, ऑनलाइन आवेदन है, कैसे करना है, पूरी जानकारी देते हैं। तो मिनी माता और महतारी जतन योजना क्या है, तो खासकर गर्भवती महिलाओं के हित में प्रदर्शित हैं, उनके लिए सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महतारी जतन योजना को जो है वो शुरुआत की है, मतलब प्रारंभ किया है। इस योजना का लाभ यहाँ पर भवन निर्माण, जैसे यहाँ पर संगठित क्षेत्र के निर्माण कार्य मजदूर कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, जैसे परिवार हैं, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिन महिलाओं के पति यहाँ पर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, वह भी इस योजना का लाभ है वो ले सकते हैं। इस योजना की पात्रता रखने वाली जो भी महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ से पात्रता रखती महिला, वो छत्तीसगढ़ सरकार 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता वो प्रदान की जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं जानकारी आपको मिल गई क्या है योजना। तो आपको जानकारी, बेसिक जानकारी आपको देते हैं। तो योजना का नाम, जैसे कि आपको यहाँ पर महतारी मिनी माता महतारी जतन योजना है, तो यहाँ पर योजना का पुराना नाम भगिनी यहाँ पर प्रस्तुति सहायता योजना था, जो कि यहाँ पर महतारी जतन योजना अभी रखा गया है। तो राज्य का नाम यहाँ पर राज्य में छत्तीसगढ़ योजना छत्तीसगढ़ से है, तो छत्तीसगढ़ में जो ही संचालित हो रही है। तो लाभार्थी यहाँ पर गर्भवती जो भी महिलाएं हैं उनको इस योजना का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जच्चा बच्चा का पालन पोषण इसका उद्देश्य है। लाभ क्या है, तो 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता के रूप में लाभ देना है। श्रेणी सरकारी योजना है एक, उसके पहले आपको बताते चले, सबसे पहले इस योजना का भगिनी प्रसूति सहायता योजना नाम है, जिन नाम रखा गया था जिसके, लेकिन यहाँ पर 23 मई 2022 को, जैसे कि आपको बताया है कि यहाँ पर संशोधन किया गया, मतलब बदला गया है, अब इसे यहाँ पर मिनी माता महतारी जतन योजना के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, मतलब ये बदल दिया गया है नाम। अब यहाँ पर महतारी वंदन सॉरी जतन योजना के यहाँ पर क्या सरकार का उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने का, उसको बताते हैं। तो सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक योजना महतारी जतन योजना है, जो कि सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है, तो जच्चा बच्चा मतलब माता जो जन्म देने माँ बच्चा दोनों को सुरक्षित रहना है। योजना के माध्यम से मिलने वाली जो भी राशि उपलब्ध महिलाओं अपने यहाँ प्रदर्शित अपने व बच्चे के यहाँ पर खान पान के लिए करती है। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि प्रसव के बाद यहाँ पर प्रसव के बाद महिलाओं को यहाँ पर काफ़ी कमजोरी होती है, इसकी वजह से खास यहाँ पर डाइट मतलब खान पान की आवश्यकता होती है, ताकि वो जो फिट हो सके फिर से। तो ऐसे में जब से श्रमिक परिवार के यहाँ पर आने वाली जो भी महिलाएं हैं आर्थिक तंगी यहाँ पर पैसों की कमी के वजह से यहाँ पर कई सारी परेशानियों को यहाँ पर करते हैं, जैसे उनकी डाइट सही नहीं हो पाती, खान पान सही नहीं होते, ऐसे में कई यहाँ पर गंभीर समस्या बीमारी की शिकायत हो सकती है। प्रवास के समय प्रसव के समय यहाँ पर जैसे बाद महिलाओं अच्छी तरह से देखभाल कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार में 20,000 रुपये की जो महिलाओं को आर्थिक सहायता गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर प्रदान करती है इस योजना के माध्यम से, ताकि वो खान पान यहाँ पर सही से हो सके उनका। अब यहाँ पर देख सकते हैं मिनी माता महतारी जतन योजना के लिए कुछ यहाँ पर पात्रताएँ मतलब एलिजिबिलिटी जो रखी गई है, कौन कौन पात्रता है, तो सिर्फ यहाँ पर जैसे छत्तीसगढ़ के जो सॉरी यहाँ पर तो माई ड्रीम सर्कल से देखो कैसे कैसे खोलाता है, तो यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पात्रता है,
तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी महिलाएं हैं वो ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, उनको ये मिला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो गर्भवती स्त्री है प्रसव के बाद यहाँ पर बच्चा मतलब बाद होता है योजना का लाभ ले सकती है, मतलब गर्भवती महिलाएं प्रसव के बाद इस योजना का लाभ उठा सकती है ले सकती है। सिर्फ उन्हीं महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा जिनके पति उनको ही मिले, जिनके पति मकान निर्माण या अन्य मजदूरी कार्य करते हैं उनको इस योजना का लाभ जो है दिया जाएगा। उसके बाद गर्भवती महिला अपने पति का पंजीयन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य शन यहाँ पर निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत उसका जो पंजीयन होना चाहिए अनिवार्य इसमें रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर अब पात्रता हो गया। अब यहाँ पर बेनिफिट मतलब छत्तीसगढ़ महतारी जनधन योजना के तहत यहाँ पर बेनिफिट लाभ किनको मिलेगा और कितना मिलेगा उसकी जानकारी आपको देते हैं। तो योजना की मदद यहाँ पर मदद से पात्र महिलाओं को प्रसव के पश्चात 20,000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता जो है दिया जाता है प्रदान की जाती है। महतारी जतन योजना के माध्यम से दूसरा देख सकते हैं मिलने वाले राशि जो आर्थिक सहायता के महिलाओं को बच्चे के रहन सहन उसके उचित देखभाल के लिए योजना का लाभ जो है दिया जाता है। आर्थिक रूप जो भी कमजोर है तीसरा पॉइंट जो कमजोर सभी परिवार की महिलाएं इस राशि की मदद से खुद भी यहाँ पर जिसने खुद की भी यहाँ पर देखभाल जो है कर पाएगी। उसके बाद योजना के लिए यहाँ पर पात्र महिलाएं ऑनलाइन के माध्यम से जो है आवेदन कर पाएगी, ऑनलाइन तरीके से आप इसमें आवेदन कर सकोगे। बच्चे के जन्म के यहाँ पर जैसे 90 दिन के भीतर जो भी बच्चे हैं उनके 90 दिन के जन्म के भीतर दस्तावेज के साथ यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया करना यहाँ पर अनिवार्य है। 90 दिन के जो भीतर है वो 3 महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। अधिकतर यहाँ पर दो बच्चे के लिए आवेदन जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 2 बजे तक इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं 2 बजे तक। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जरूरी जो भी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो जरूरी महतारी जतन योजना के लिए दस्तावेज, तो सबसे पहले आवेदन के पास यहाँ पर श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। श्रमिक पंजीयन जो प्रमाण पत्र आता है वो अनिवार्य है। उसके बाद आपका यहाँ पर राशन कार्ड भी होना यहाँ पर आवश्यक है, जरूरी है। फिर गर्भवती महिला का जो है राशन कार्ड के बाद BPL कार्ड राशन कार्ड के उसके बाद जो महिला का जो गर्भवती महिला है उनका यहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर होना आवश्यक है। उत्तराधिकारी मतलब पति का आधार कार्ड जिस खाते में आप सहायता राशि जो है लेना चाहते हैं 20,000 उनका यहाँ पर फोटो कापी बैंक खाता का पासबुक यहाँ पर नंबर लगने वाला है। फिर आपको कॉन्टेक्ट कर सके इसके लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भी देना आवश्यक है। और साथ ही आप अस्पताल से जो शिशु का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त होता है वो भी इसमें देना अनिवार्य है आवश्यक है। अब यहाँ पर मिनी माता महतारी जतन योजना के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें या कैसे करना है, तो छत्तीसगढ़ महतारी जतन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन यहाँ पर रखा गया है। आप इसमें ऑनलाइन तरीके से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी रखा गया है। पात्र महिला प्रसव के बाद यहाँ पर लोक सेवा केंद्र या फिर जो ऑनलाइन सेंटर में जाकर महतारी जतन योजना का जो है इसमें जो पात्र महिलाएँ वो इस योजना का फॉर्म भर सकती है। धर रहे आवेदन से पहले आपको बताते चले पात्र महिलाएं यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें, किसी प्रकार के यहाँ पर डॉक्यूमेंट को छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप डॉक्यूमेंट छोड़कर जाओगे तो आपको यहाँ पर दस्तावेज नहीं लेकर जाओगे तो आपका जो फॉर्म तो यहाँ पर जिसने आवेदन करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए अनिवार्य है तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो जो आवेदन अब किसी प्रकार के आवेदन में त्रुटि पाई जाती है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आप सतर्क रहे और जो आवेदन यहाँ पर दस्तावेज मंगाए गए हैं उसको आपको साथ में लेके जाना है। तो आशा करते इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।